हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज का दिन मेरे लिए बहुत मनहूस होने वाला था और तन्नू बाजी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं मम्मा के साथ गया तहसील कुछ काम से। तहसील से आया हम घर, फिर अपनी हायाबूसा पे बैठ के हम निकले बाजी के यहाँ। फिर हम आए एक दुकान में जहाँ हमको मिली है नन्ही चिड़िया। फिर हम आ गए बाजी के इलाके में। इन गलियों का नजारा लेते हुए हम आ गए बाजी के घर। यहाँ पर आके देखा तो हमारे वेलकम के लिए खड़ी थी आयत। बाकी प्राणी कुंभकर्ण की नींद ले रहे थे। फिर मैंने इनको नगाड़े बजा के जगाया। बाजी सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं डर गया। वहां देख के सब लोग हमें चौंक गए और गुड़िया अप्पी ने किया उजालों को प्यार। ये है हमारी फेवरेट गुड़िया अप्पी। फिर बाजी नचाते हुए भी खुश होने का दिखावा करने लगी। फिर आ गई थी खाला, तो हमने खाला से मुलाकात की। फिर बाजी में लग गई हम लोग के लिए चाय। फिर हमको मिली सभा अप्पी। सभा अप्पी से करी हमने लंबी वार्तालाप और कैमरे की नजर से बचते हुए आयत सामने से निकल गई और ये बच्चे कैमरे से शर्माते हुए। और यहाँ तन्नू सभा अप्पी को प्रपोज करता हुआ। और यहाँ पे सभा अप्पी और तन्नू में मुंह बनाने का कंपटीशन चल रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग पेटीज का लुत्फ उठाने लगी और हमें इंप्रेस करने के लिए बाजी ने लगाया ढेर सारा नाश्ता। बाजी बेचारी काम करते करते काम वाली बाई बन गई। और यहाँ पे उजाला ने 1 महीने का नाश्ता एक साथ कर लिया और थोड़ा सा मैंने भी चख लिया। और ये बाजी अपने रूम की डस्टिंग करते हुए, ये दोनों अपना दुखड़ा रोते हुए। और यहाँ सब अपनी खाने की तैयारी करते हुए। गड़बड़ ये थी बट अच्छी थी। फिर हमको परोसा गया चिकन और बिरयानी। और फिर हमने तोड़ा मुर्गा। और इन महान इंजीनियर साहब ने की स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आयत लेके भाग गई। फिर हम निकले अपने घर को। हुआ यूं कि जब मैं घर आया तो मम्मा ने मुझे जम के सोटा, क्योंकि मैं पढ़ाई ना करके मस्ती कर रहा था। फिर मुझसे कहा निकल जा मेरे घर से, तो मैं कौन सा कम था निकल गया। जब थोड़ी देर मम्मा को नहीं दिखा तो मम्मा ने 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढने को लगा दी। फिर क्या था, पुलिस ने पहली बार अपना काम ईमानदारी से किया और मुझे ढूंढ निकाला। और वहाँ भी मुझे एक कुकुर दिखा जो मुझसे कहने लगा कि ऑल इज़ वेल। फिर मुझे मम्मा के हवाले कर दिया गया। फिर मम्मा ने मुझे और सोटा, तो इससे ये सबक मिलता है कि भाई माँ से पंगा नहीं लेने का, माँ से बड़ा कुछ नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।